कुमार कुमावत। मैं सीकर ज़िले के एक फतेहपुर तहसील का रहने वाला हूँ। मैंने 16 जून 2016 में यहाँ कोचिंग स्टार्ट की थी। जिस दिन मैं इस कोचिंग में आया था उस दिन मुझे स्क्वायर रूट्स क्यूब्स इनका नहीं पता था। मैं एक स्पोर्ट्समैन था, मेरे ग्रेजुएशन की 3 साल की डिग्री 7 साल में कम्प्लीट हुई थी। बट कुछ इश्यूज ऐसे हुए थे कि मैं घर से एक टारगेट लेके निकला था। 15 जून को मैं घर से निकला ये कह के कि जब तक मैं ऑफिसर नहीं बनता हूँ तब तक मैं वापस घर लौट के नहीं आऊँगा। और ये वाला टारगेट पुनीत सर की मदद से मुझे पूरे 10 महीने में मिल गया और मैंने एक नहीं 4-4 सिलेक्शन लिए थे। RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO और IBPS क्लर्क, चारों सिलेक्शन मेरे हुए थे। इस कोचिंग में आने के बाद खुद के अंदर एक अलग सी एनर्जी मुझे मेरे अंदर देखने को मिली, पुनीत सर से मिला। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं बैंक के लिए बना हूँ, लेकिन जब से पुनीत सर से मिला उनके मोटिवेशन से मुझे ये लगा कि मैं स्पेशली इसी सेक्टर के लिए बना हूँ। जब मेरी पहली क्लास हो रही थी उस टाइम हमारे मैथमेटिक्स के टीचर थे मनीष जी सर, वो क्लास के अंदर आए। उन्होंने कहा कि आपको स्क्वायर क्यूब्स ये पूरे आपको लिप्स पे याद करने हैं। मैंने सोचा मैं याद तो कर लूँगा, बट जब पता ही नहीं था स्क्वायर क्या होते हैं क्यूब्स क्या होते हैं तो याद कैसे करूँगा। मैंने सर से पूछा सर ये स्क्वायर क्यूब्स होते क्या, उन्होंने पूछा आप नहीं जानते। मैंने कहा सर मैं नहीं जानता। तब मुझे पहली बार ऐसा लगा था कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, जब यहाँ बैठे हैं उनको सब कुछ आ रहा है। फिर उसके बाद मैं शाम को पुनीत जी सर से मिला उसी दिन, तो सर ने मुझे ये कहा आप अपने पास वाले से कंपटीशन मत करो, अपना अपने आप से अपने खुद का कंपटीशन करो, खुद से खुद को कंपेयर करो कि कल तक आपको क्या आ रहा था आज आपने नया क्या सीख लिया। मैंने वही चीज़ मान के रखी और मेरा अगस्त के अंदर प्री हुआ था, मेरा फर्स्ट चांस में मेरा प्री पेपर क्लियर हो गया था। उसके बाद सर के और अनदर मोटिवेशन से मेरा मेंस भी क्लियर हो गया। इंटरव्यू मैं 2016 बैच के इंटरव्यू का टॉपर था, 92 नंबर फ्रेशर होते हुए मुझे मेरे बने थे और ऑल इंडिया 6th रैंक पे था मैं RRB PO के अंदर। उसके बाद सर से कंटिन्यू मैं मिलता रहा और अब मैं फिर दोबारा तैयारी कर रहा हूँ। IBPS RRB स्केल 2 का एग्ज़ाम देने वाला हूँ और मुझे पूरा भरोसा है खुद पे भी, पुनीत सर जी के मोटिवेशन पे भी कि मैं इस बार भी कुछ ना कुछ अच्छा करके जाऊँगा। ढींगड़ा क्लासेस की खास बात यह है कि जो भी यहाँ आपको मिलता है बाकी किसी कोचिंग में नहीं मिलेगा। वहाँ से आपको दिए गए मैटर में से आपको कुछ अलग करना है, यहाँ आपको सिलेक्टेड मैटर मिलता है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, सर बता रहे हैं, इसके अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। मेरे साथ पहली बार हुआ जब मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फर्स्ट पेपर दे रहा था, मुझे इंग्लिश मेरी बहुत वीक थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, फिर भी सर ने कहा नहीं आप पेपर देने जाओ। और सर ने पहले दिन हमें 200 क्वेश्चंस की एक PDF दी थी। जब वहाँ जाके जीके करने बैठा, वो इस डायरेक्ट मेंस पेपर होता है, तो वहाँ जीके करना बैठा तो मेरे 7.5 मिनट के अंदर 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे 50 में से, और सारे के सारे सही। 200 क्वेश्चन सर ने दिए थे। तो मैं यहाँ पढ़ने वाले हर स्टूडेंट को यही कहता हूँ, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस पर पूरा भरोसा रखो। आपको बाहर कोई क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आप जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो उसको एक बार उसके अंदर आप भगवान को देखने की कोशिश करो। ये सोचो कि जो सर बोल रहे हैं मुझे वो करना है और वो एकदम सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। क्योंकि अगर मेरे जैसे बंदे का सिलेक्शन हो सकता है तो मैं ये कहता हूँ किसी का भी हो सकता है। क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन 7 साल की डिग्री, 3 साल की डिग्री मेरी 7 साल में कंप्लीट हुई थी। हर क्लास को मैंने 2 बार पढ़ा, उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी ने गोल्डन चांस दिया कि आपके जितने ड्यूज पेपर हैं वो एक ही साल में आपको क्लियर करने मैंने किए हैं। उसके बाद मैं जॉब में भी हूँ, मैं फिर भी तैयारी कर रहा हूँ आने वाले एग्जाम्स के लिए। सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ढींगड़ा क्लासेज, ऑल स्टाफ और स्पेशली उसी टाइम डाउट क्लासेज के लिए आते थे कपिल सर, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, घर पे भी मुझे पढ़ाया, क्लासेज में भी पढ़ाया। पुनीत सर जिन्होंने तो मुझे ये बोल रखा था कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आपको रात को 1 बजे भी कॉल करो, मैं आपको जवाब दूंगा। और मुझे वो रिस्पॉन्स सर से मिला भी है, ये नहीं है कि मिला नहीं कि सर सिर्फ बोलते हैं। मैंने 1-1 बजे तक मैं घर सर के घर आके मिला हूँ सर से कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। हर बार उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरा सिलेक्शन भी हुआ। इसलिए स्पेशली पुनीत सर के पास आप पढ़ रहे हो तो भरोसा रखो, ज़रूर आप कामयाब हो गए। थैंक्स टू ऑल।